हेलो फ्रेंड्स, लुक ऑन टू कुक ऑन में आपका स्वागत है। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी जानते हैं कि आज के दौर में हमें इम्यूनिटी बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो तिल और गुड़ जो है इम्यूनिटी के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं तिल और गुड़ के ये लड्डू, जो कि बहुत ही टेस्टी होते हैं और बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाते हैं। सिर्फ 5 मिनट में बनकर ये तैयार हो जाते हैं और ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इसे आपके घर के बुज़ुर्ग भी आराम से खा सकते हैं और बच्चे भी बहुत मज़े लेकर खाएंगे। कई बार बच्चे तिल देखकर मना कर देते हैं, लेकिन इसे वो मना नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने लिए हैं सफ़ेद तिल 1 कप, 3/4 कप गुड़ या 1/4 कप, थोड़ी सी मूँगफली, 1 चम्मच के करीब घी और 4 से 5 इलायची। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने एक कढ़ाई ले ली है जो थोड़ी मोटे तल्ले की होनी चाहिए। अब हम इसमें तिल को 2 से 3 मिनट के लिए भुनेंगे। तिल को ज़्यादा नहीं भुनना है, अगर ज़्यादा भुन गई तो उसमें कड़वा टेस्ट भी आ सकता है। तिल को भुनते समय हमें ध्यान रखना है कि इसकी फ्लेम लो से मीडियम होनी चाहिए और इसे हमें लगातार चलाना है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और ठंडा कर लेते हैं। तिल ठंडी हो रही है, जब तक हम उसी कढ़ाई में थोड़ी सी मूंगफली को भून लेते हैं। इसे भी हम 1 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि इसका छिलका अलग हो जाए। अब इसका छिलका अलग होने लगा है तो हम इसे छिलका निकाल कर रख लेते हैं। ये मैंने छिलका निकाल लिया है मूँगफली का। अब हम इसे और तिल को एक साथ ग्राइंड करेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम चलते हैं। इन दोनों को सिर्फ 10 सेकंड के लिए हमें पीसना है, 10 सेकंड से ऊपर बिल्कुल नहीं करना, हमें इसे दरदरा ही रखना है। तो चलिए हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। अभी ग्राइंड हो चुका है, मैं इसे निकाल कर आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह का होना चाहिए। ये देखिए, ये बिल्कुल इसी तरह का होना चाहिए। अब हम इसमें गुड़ ऐड कर लेते हैं। गुड़ को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कूट लिया था, जिसे हम इसमें मिला देते हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच घी ऐड कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप पसंद नहीं करते हैं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके बिना भी लड्डू बहुत अच्छे बनकर तैयार होंगे। अब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। इसे भी हमें 10 सेकंड से ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना है। अब हम इसमें इलायची का पाउडर मिक्स करके 2 सेकंड के लिए ग्राइंड करेंगे। ये बहुत अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। आप देख सकते हैं कि गुड़ डालने के बाद भी ये ग्राइंडर में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। अब हम इसे एक बोल में निकाल लेते हैं। इस तरह से लड्डू बनाना बहुत ही आसान है दोस्तों। आप सिर्फ 5 मिनट में इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तिल और गुड़ में विटामिन ए, विटामिन बी, कैल्शियम, आयरन बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, इसलिए हमारी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। सर्दियों में ये खाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप तिल और गुड़ के जितने आइटम हो सकते हैं वो बनाइए और इसे डेली अपने रूटीन में शामिल कर लीजिए। अगर हम चाशनी वाले लड्डू बनाते हैं तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो कोई बात नहीं, आप इस तरीके से लड्डू बनाइए, इसमें टाइम भी कम लगता है और ये उससे भी ज़्यादा टेस्टी होते हैं। अब हम इसे बादाम से गार्निश कर लेते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर भी काजू बादाम के छोटे छोटे पीसेस करके भर सकते हैं। मैं इसे ऊपर से बादाम लगा कर गार्निश कर रही हूँ। अब ये हमारे लड्डू बिल्कुल रेडी हैं। मैं एक लड्डू आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कि ये अंदर से कितने सॉफ्ट हैं। ये लड्डू बुज़ुर्ग भी बहुत आराम से खा सकते हैं और बच्चे भी इतने शौक से खाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। जिनको जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम है उनके लिए भी ये बहुत अच्छे होते हैं। तो इसे आप ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि लड्डू आपके कैसे बने। तो इसी के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।